नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कटहल के अचार की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए बनाया जाए। कटहल के अचार में लगने वाला सामान ये है, कटहल, मिर्चा, लहसुन, आम। अब मसाला देख लेते हैं। मंगरेला, हल्दी, नमक, मेथी, सौंफ, पिसा कलौजी का मसाला और सरसों का तेल है, तो चलिए अब बनाते हैं। कटहल को इस तरीके से कट करके इसमें डाल दीजिए और इसको इसमें आधा कप पानी डाल दीजिए, आधा चम्मच इसमें नमक डाल के ढक्कन लगा दीजिए और एक सीटी तेज आंच में हो जाए तो फिर उतार दीजिए। एक ही सीटी दिलाना है इसको। कटहल मेरा उबल के ठंडा हो गया है। चलिए इसको हल्का सा टिश्यू पेपर में इस तरीके से पानी इसका सुखा लेते हैं। पानी एकदम से पानी बिल्कुल नहीं रहेगा इसमें, अचार भी खराब नहीं होगा। कटहल को टुकड़ों में काट लेते हैं इस तरीके से। साइज आप अपने हिसाब से कर लीजिए, मोटा पतला जिस तरीके का चाहिए। पतला रहेगा तो ज़्यादा ही मसाला उसमें सूखेगा। देखिए इस तरीके का हो जाए। आम को इस तरीके का काट के डाल दीजिए इसमें। लहसुन है, इस तरीके से लहसुन कूट के डाल दीजिए। कटा मिर्चा बारी बारी से सब मसाला थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। आधा चम्मच मंगरेला, एक चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी, एक चम्मच भर के हल्दी, डेढ़ चम्मच हल्दी और ये मिक्स मसाला कलौजी का है, दो चम्मच। कम ही डालिए, उसके अचार गल के थोड़ा हो जाता है, टेस्ट के बाद डाल दीजिएगा। और सरसों का तेल बढ़ा दो चम्मच। इसको मिला लेते हैं इस तरीके से, इसको मिला लेते हैं। तेल कम लगे तो थोड़ा तेल और डाल दीजिए। देखिए इस तरीके से एक चम्मच मिर्चा पाउडर डाल दीजिए इसमें। खट्टा के लिए इसमें आम पहले से डाल दिए हैं, आप चाहे तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। विनेगर से अचार ज़्यादा दिन टिकता है। देखिए अचार मेरा बन गया है। इसको किसी चार जार में भर देते हैं। इसको दो तीन दिन लगातार धूप दिखाना होगा वरना खराब हो सकता है। फिर ये खाने लायक अचार, खुशबूदार अचार कटहल का।